mango mango money monkey mouse motorcar motor car net nose nest nib needle nut nurse newspaper paper. मम्मी पापा आ गए। रुक मैं देखती हूँ। अरे आज बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। हाँ क्या लंगड़ा क्यों रही हो, क्या हुआ दिखाओ। नहीं बस वो आलता लगाया और कुछ। अच्छा ठीक, लो ये रख दो। ये क्या है? मिष्टी दो ही। हाँ, तुम ही रख दो ना। अच्छा ठीक है। बाबा पोल्टू Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मुझे याद ही नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है, तभी इसीलिए सब साड़ी वाड़ी और ना। अच्छा ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। ये देखो, सिगरेट पीने को मना करती है और लाइटर गिफ्ट देती है। चलो चलो केक काटो। हेलो हेलो कौन था? पता नहीं कौन था, बात करनी हो तो वापस फोन करेगा। मैं देखता हूँ। हेलो, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ। तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी पत्नी के बजाय तुम्हें मेरे पास होना चाहिए। मौसमी, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ चले आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है मौसमी। ऋतिक, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम वेरी सीरियस। तुम अपनी मर्जी से यहाँ आते हो या मैं कुछ करूं? हैप्पी बर्थडे ऋतिक। ये क्या, अभी तक नाश्ता नहीं किया? नहीं, मुझे भूख नहीं है। चलो ऑफिस जाता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा शाम को 5:30 बजे तक आ जाना, प्ले देखने जाना है। की? प्ले? हाँ याद है ना। हाँ तुम भी तैयार रहना। बाय पापा। बाय बेटा। बाय बाय। तुम अपना होमवर्क बाद में करो, पहले नाश्ता कर लो। यहाँ क्या कर रही हो? ऑफिस जा रहे हो? हाँ, लेकिन तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम इस तरह यहाँ मत आया करो। नहीं, मुझे लगा तुम ऑफिस जा रहे हो तो मुझे लिफ्ट मिल जाएगी। बाबा टाटा। बैठो बैठो, गाड़ी में बैठो जल्दी। कहाँ जाना तुम्हें? जाना तो मुझे टालीगंज है, लेकिन जहां तुम ले चलो मैं जाने के लिए तैयार हूं। क्या कर रही हो? ऋतिक, तुम मुझे आजकल बहुत निगलेक्ट कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो हम लोग बेकार की बात ना करें तो अच्छा है।
क्यों? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? अरे अच्छा लगना अलग बात होती है, प्यार करना अलग बात होती है। मैं शादीशुदा आदमी हूँ। क्या शादीशुदा आदमी प्यार नहीं कर सकते? करते हैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। और मुझसे? मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। क्या मैं सुप्रिया जैसी सुंदर नहीं? सुप्रिया मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की माँ है, और मैं उन दोनों को बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनको किसी भी कीमत पर धोखा नहीं दूंगा। और मुझे धोखा दे सकते हो? देखो, मैं तुमसे उस रात के बारे में पहले भी माफी मांग चुका हूँ और दोबारा तुमसे माफी मांग रहा हूँ। और इस बात को तुम भूल जाओ तो ये अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और मेरे लिए पीछे हटना नामुमकिन है। आई कांट लिव विदाउट यू ऋतिक। और मैं सुप्रिया के बिना नहीं जी सकता। ये बात मेरे साथ रात बिताते वक्त याद नहीं थी? देखो, उस रात तुमने पहल की थी और तुमने मुझे मजबूर किया था। वाह, क्या अच्छा तरीका ढूंढा है। देखो, इस बारे में मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, और इस बात को तुम भूल जाओ तो ही अच्छा है। लो, आ गया तुम्हारा डालीगंज। उतरो। साहब, आपको बड़े साहब ने बुलाया है। मिस्टर बैनर्जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आर यू वेल? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है मुझे? ये बैलेंस शीट आपने बनाई है? जी हाँ। ये क्यों, कोई गलती? गलती? गलतियां ही गलतियां, एक भी टोटल टैली नहीं हो रही है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? आपके जैसे सीनियर लोग अगर ऐसा करने लगे तो मेरे ऑफिस का क्या होगा? आई एम सॉरी सर, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। ले लीजिए और काम पे थोड़ा ध्यान दे, अच्छा रहेगा। जी ठीक है। बाबू, आपका फोन है। हेलो, तुम अभी तक ऑफिस में हो? प्ले देखने जाना है, भूल गए क्या? अरे 6 बजे का शो है ना, 6 बजे का शो है, तुम मुझे 3:30 बजे क्यों फोन कर रही हो? 5:30 बजे में आ जाऊंगा ना, कि माथा खराब ना की। ऋत्विक, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ है मेरी तबीयत को? बिल्कुल ठीक है। घड़ी ठीक से देखो, 3:30 नहीं 5:30 बज रहे हैं। तुम फौरन ऑफिस से निकलो, नहीं तो प्ले छूट जाएगा। तुम्हें पता है ना, लेट पहुंचने वाले को एंट्री नहीं मिलती। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, आ रहा हूं मैं, अभी आता हूं। 5:30 बज गया, पता नहीं चला। सॉरी, मैं अपना घर समझ गया आ गया। सॉरी।
তাপের তীব্রতা বাড়তে বাড়তে রুদ্র যখন অদ্বিতীয় হয়ে দেখা দেন, প্রলয়ের গর্জন তখন সঙ্গীত হয়ে ওঠে। তখন তার সঙ্গে নির্বিচারে সম্পূর্ণভাবে যোগ দেবার নিরতিশয় আগ্রহে মরিয়া করে তোলে। মৃত্যুকে তখন সত্য বলে জেনে গ্রহণ করি, তার একটা পূর্ণাত্মক রূপ দেখতে পাই বলে তার শূন্যাত্মকতার ভয় চলে যায়। দৃষ্টি মোর ছিল আচ্ছা দিয়া আমার আপন ছায়া, সেই আলোকের সামগান মন্দ্রিয়া উঠিবে মোর সত্তার গভীর গুহা হতে সৃষ্টির সীমান্ত জ্যোতির লোকে। लेट हो गया, बहुत ज्यादा काम था इसलिए मुझे देर तक काम करना पड़ा। लेट हो गया आज बहुत। ऐसा कौन सा काम आ गया जो कल सुबह नहीं हो सकता था? तुम उस ऑफिस में इतने सालों से काम कर रहे हो, आज तक इतनी देर कभी नहीं की। ये सारे सवाल जवाब सुबह करना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अच्छा खाना तो खाओगे ना, कि वो भी खाकर आए हो? खबर केस जी, तुमने नहीं खाया तो खा लो, मैं सोने जा रहा हूँ। ऋत्वी कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। ऑफिस क्यों?
इतना चौंकने की क्या बात है, ऑफिस में रोज जाता हूँ। हाँ लेकिन संडे को तो नहीं जाते हो। संडे? सॉरी मुझे पता ही नहीं चला कि आज संडे। ऋत्विक ये क्या हो रहा है, आजकल तुम बहुत खोए खोए से रहने लगे हो। की गंडगोल हो चे आजकल। एनीवे मैं कपड़े बदल के आता हूँ। सुनो अब तैयार हो ही गए हो तो मौसमी को उसके घर तक छोड़ा। हाँ ऐसा करने में मुझे खुशी होगी। चलिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ, बाद में मिलूंगी, फोन करूंगी। ठीक है बाय बाय। तुम आज बहुत खूबसूरत लगी, खास करके सर। भाई तुम ऐसी साड़ियाँ क्यों नहीं पहनती हो, मुंबई की तरह खूबसूरत लगोगी। क्या बात है, आज मौसमी की बहुत तारीफ हो रही है, इरादा तो ठीक है ना। चलो चलिए। काकी माँ मैं सुप्रिया बोल रही हूँ। हाँ सुप्रिया, हाँ कैसी है? मैं इस वक्त बहुत टेंशन में हूँ। क्यों क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि मेरे और ऋत्विक के बीच कोई दूसरी औरत आ गई है। क्या? हाँ मैं ये देख रही हूँ कि ऋत्विक का व्यवहार मेरे प्रति कुछ दिनों से बदल गया है। पहले उसे मेरे सिवा कोई दूसरी औरत सुंदर ही नहीं लगती थी, लेकिन अब। नहीं सुप्रिया, तुमको कोई गलतफहमी हुई होगी, अपना ऋत्विक वैसा नहीं है। काके माँ मैं जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ। अगर ये सच है तो बहुत गड़बड़ है। अच्छा तो फिकर नहीं करना, हाँ अब मैं शाम को आती हूँ घर पे। मुझे लगता है तुम्हारे घर पे कोई काला जादू कर रहा है। क्या